आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के इलस्ट्रेशन 1 करेंगे। पेज नंबर 5.6, इलस्ट्रेशन 1, चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹1 लाख इन कैश। चलिए अब हम एक एक करके एंट्रीज करते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री, सचिन स्टार्टेड बिजनेस। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपीस से। इसका मतलब जब सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, तो यहां हमारे पास 1 लाख कैपिटल बढ़ गई, प्लस कैश भी बढ़ा 1 लाख का। सेकेंड एंट्री है, परचेज्ड गुड्स इन कैश ₹50,000। सेकेंड एंट्री में परचेज्ड गुड्स, आपको ये जो मैं इलस्ट्रेशन कर रही हूँ, आपको एग्जाम में अपने सम्स भी इसी तरीके से करने हैं। ऐसे ही साइड पर आपको एंट्रीज लिखनी है और यहाँ सामने सॉल्व करते जाना है। बिल्कुल इसी सेम प्रोसीजर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही सॉल्यूशन करना है आपने। तो सेकेंड एंट्री है, परचेस्ड गुड्स इन कैश। गुड्स परचेस करे हैं सचिन ने कैश में, तो सबसे पहले क्या परचेस करे हैं? यहां पे हमारे एसेट्स बढ़ेंगे कितने के? 50,000 के। और कैश में परचेज किए तो कैश भी हमारा 50,000 कम हुआ। अब हम इसे साथ के साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी एंट्रीज करने के बाद आप लास्ट में बैलेंस कर रहे हैं इक्वल, ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन ये टेक्निकली रॉन्ग होता है। हमें हमेशा हर स्टेप के बाद इसे सॉल्व करना है। तो आप इस 1 लाख में से 50,000 को माइनस करेंगे, 50,000 प्लस 50,000 इक्वल 1 लाख। आपके बैलेंस में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 50,000 प्लस 50,000 1 लाख हो गया और यहां पे तो है ही 1 लाख। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको सारी एंट्रीज करनी है। हमारी थर्ड एंट्री है, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर 20,000। जब भी आपको किसी कंपनी का नाम दिया हो या किसी पर्सन का नाम दिया हो तो ये आपको खुद ही क्वेश्चन में समझना है कि वो क्रेडिट पे परचेज किया गया है या क्रेडिट पे सेल किया गया है। जब तक वहां पे कैश ना लिखा हो आप अपने आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैश में ही परचेज किया है या कैश में ही सेल किया है। अब थर्ड एंट्री में बिल्कुल क्लियर उसने बोल दिया है कि परचेस्ड फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया गया है फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर। क्लियर उसने बोल दिया कि इससे उसने फर्नीचर परचेज किया है। यहां पे उसने नाम क्यों लिखा होगा? हम किसी भी इंसान का अपने बिजनेस में नाम कब लिखेंगे? जब हम उसे क्रेडिट में परचेज करेंगे या सेल करेंगे। मान लेते हैं कि हम कहीं पर भी शॉपिंग करने जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 200 का हमने कहीं से सामान खरीद लिया। अगर हम कैश में खरीद के आ जाएंगे तो जिससे हमने सामान खरीदा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नॉर्मल एक छोटी सी चीज ही हम खरीद लेते हैं, चलिए एक सोप ही खरीदने चले जाते हैं। अगर हमने 200 के सोप्स खरीदे हैं तो जिससे हमने खरीदे हैं
वो हमसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है। अगर हम उसे 200 कैश में दे आएंगे, हम सोप ले आए, हम उसे 200 कैश में दे आए और हमारा काम वहां पे खत्म। अब ना वो शॉपकीपर हमें जानेगा और ना हमें उस शॉप पे दोबारा जाना या नहीं जाना, ये हमारी चॉइस है। लेकिन अगर हमने 200 रुपीज क्रेडिट पे हम सामान खरीद रहे हैं, अगर हम क्रेडिट पे, अगर हम उधार पे किसी शॉप से हम सोप खरीद के आएंगे, तो वो शॉपकीपर हमसे हमारा नाम पूछेगा, हमसे एड्रेस पूछेगा हमारा, किस लिए, ताकि वो अपने बुक्स में हमारा नाम एंटर कर सके। तो यहाँ पे वो हमारा नाम पूछेगा कि सो एंड सो हमारा नाम है। जब हम कैश में सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, तो हमें किसी के नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें, हमारे पास कैश आ गया एंड दैट्स ऑल। लेकिन जब उधार पे हम कुछ खरीदते या बेचते हैं, तो हमेशा नाम पूछा जाता है, क्योंकि हम उस नाम की ही एंट्री अपनी बुक्स में करते हैं। हम जब एंटर करेंगे कि हमारे पास 200 रुपए आने हैं, जब वो शॉपकीपर एंटर करेगा, तो वो हमारा नाम लिखेगा कि इस इंसान से, इस बंदे से 200 रुपए लेने हैं। तो सेम यहीं पे परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट, तो फर्नीचर खरीदा गया है मेसर्स सम्राट फर्नीचर से। यहाँ हम फर्नीचर का एक कॉलम बना देंगे, ये छोटा पड़ गया थोड़ा सा। फर्नीचर उसने कितने का खरीदा है? 20,000 का। तो यहाँ 20,000 हमारा है, फर्नीचर बढ़ गया 20,000 का। अब किस में खरीदा है उसने? क्रेडिट में खरीदा है। तो यहाँ हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, इधर हम ऊपर क्रेडिटर्स लिखेंगे और यहाँ 20,000। अब जो जैसा लिखा है, हम उसे ऐसे का ऐसे एज इट इज उतारते रहेंगे। इसे यहां सॉल्व नहीं करना, आपको एज इट इज ही उतारना है। बस इनका जो एडिशन है वो लास्ट में इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आता तो आपका सम रॉन्ग है। ये गैप्स हम इसीलिए देते हैं बीच में कि हम कुछ और ऐड कर सकें। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम हो गया था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। सोल्ड गुड्स, गुड्स उसने बेचे हैं 25,000 के थे, कॉस्टिंग जिनकी थी 25,000 अगेंस्ट 35,000, और वो भी कैश में। कैश में उसने गुड्स बेचे हैं। तो सबसे पहले गुड्स थे कितने के? 25,000 के। इसका मतलब हमारे 25,000 के गुड्स जो हैं वो कम हो गए हैं। कितने के बेचे? 35,000 के। सिंपल, 35,000 हमारा कैश आ गया, हमारे पास 35,000 कैश बढ़ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, रफली अगर आप देखो, 25,000 के गुड्स 35,000 में बेचे हैं, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ? आपके बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई। तो यहां पे हम 10,000 का प्रॉफिट दिखाएंगे कैपिटल में। 25,000 के गुड्स कम हो गए, इसलिए हमने यहाँ 25,000 माइनस कर दिया। 35,000 कैश आ गया उसके पास, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है अगेंस्ट कैश। तो 35,000 हमारे पास कैश आ गया। 25,000 के गुड्स थे, 35,000 में बेच दिए, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसे हम अपने कैपिटल में दिखाएंगे, क्योंकि हमारी 10,000 की कैपिटल बढ़ गई। अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप देखो, 85,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 1,10,000।
लास्ट एंट्री हमारी है पेड मैसर सम्राट फर्नीचर इन कैश, पेड मैसर सम्राट फर्नीचर इन कैश, मैसर सम्राट फर्नीचर को कैश में पे किया गया। अब हम ढूंढेंगे मैसर सम्राट फर्नीचर कौन था। मैसर सम्राट फर्नीचर वो था जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया था क्रेडिट पे, जिसकी हमें पेमेंट करनी है। पे किया हमने मैसर सम्राट फर्नीचर को कैश में, तो सिंपल कितना पे किया है कैसे पता चलेगा, कितना पे करना। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया, कितना पे करना था उसे, हमें उसे 20,000 रुपीज पे करना था। अगर आप अपनी थर्ड एंट्री देखो जिसमें लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर सम्राट फर्नीचर ₹20,000, देखो ये थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में 20,000 हमें मैसर सम्राट फर्नीचर को पे करने हैं, तो कितना पे किया होगा हमने उसे, सिंपल 20,000 उसे कैश में पे किया होगा, तो हमारा कैश कम हो गया। कैश कम होने के साथ जब हमने उसे कैश में पे कर दिया, तो हमारी एक चीज और कम हो गई, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि अब ये लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई है, हमने उसे पे कर दिया, अब हमारे हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अब हमें उसे पे नहीं करना। तो यहां से 20,000 रुपीज आप माइनस करोगे और 20,000 यहां से माइनस करोगे क्योंकि हमारा कैश भी कम हुआ है। अब हम फिर से इसका नीचे टोटल करेंगे, अब लास्ट में अगर आप देखोगे तो इस पूरे क्वेश्चन का बैलेंस बिल्कुल बराबर आएगा, एसेट्स हमारे लाइबिलिटीज और कैपिटल्स के सम के बराबर आएंगे। अगर आपका बैलेंस बराबर नहीं आता, अगर आपका बैलेंस इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब आपका सम रॉन्ग है।